लेकिन देश केवल प्रतीकों से नहीं चल सकता, देश केवल क्रिकेट के वनडे मैच की तरह, 2020 मैच की तरह एक दिन और दो दिन के उत्सवों से नहीं चल सकता। मां भारती के प्रति हमारा समर्पण एक दिन और दो दिन का हो और बाकी के दिन हम बेईमानों की तरह काम करें, भारत के प्रति हमारी श्रद्धा ना हो। आप कहेंगे आप ऐसी बात क्यों करते हैं, आपका जीवन ही कहता है कि आपकी कितनी श्रद्धा है, कहते हुए अच्छा नहीं लगता। जिस देश में भारतीय संपत्ति रेलवे और रेलवे के बाथरूम के मग भी सुरक्षित नहीं है, 22 रुपए के मग, 32 रुपए के बल्ब, पंखे तक खोल के ले जाते हैं, सीट कवर उठा के ले जाते हैं, फिर आप कहते हैं भारत के प्रति हमारा प्रेम है। मैंने कई बार हर स्वतंत्रता दिवस में मैं ये बात जरूर कहता हूं, जापान की वो बात जहां स्वामी विवेकानंद गए, बस में सफर करते हुए जब देखा कि एक जापानी बस की फटी हुई सीट को सुई और धागे से सिल रहा है और विवेकानंद पूछते हैं क्या कर रहे हो, बोला मैं ये सीट सिल रहा हूं। बोला आप कंडक्टर हो, आप सरकारी कर्मचारी हो जापान के, बोला नहीं, बोला फिर, बोला मैं नागरिक हूं, ये देश मेरा है, गलती से इतनी सी सीट फट गई है, हमारी निजी संपत्ति है, सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति, अपनी संपत्ति, जापान देश का मैं बेटा हूं। फिर गलती से कोई आकर हाथ डालकर और न इसको फाड़ दे और हमारे देश का नुकसान हो, मेरे पास सुई और धागे थे इसलिए मैं इसे सिल रहा हूं, ये मेरे देश की संपत्ति है। स्वामी विवेकानंद इतने बड़े संत, रामकृष्ण परमहंस के इतने बड़े शिष्य, लिटरली उस जापानी के देश प्रेम को प्रणाम किया, विवेकानंद ने प्रणाम किया, स्वामी विवेकानंद कि देश प्रेम की ऐसी भावना, देश की संपत्ति के प्रति ऐसा अपनापन। और यही कारण है, बहुत बड़ा देश नहीं है जापान, वो तो हिरोशिमा में, नागासाकी में गिरा दिया था लिटिल बॉय एटम बम, उसके बाद भी उस देश ने जिस तरीके से एटम बम के प्रहार को झेलने के बाद भी आज भी विश्व में टेक्नोलॉजी के मामले में और सुविधाओं के मामले में और राष्ट्र प्रेम के मामले में मुझे कहीं नंबर वन से कम नजर नहीं आता, शीर्ष पर है, चंद शीर्ष देशों में उसका शुमार होता है। और इसका एक ही कारण है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी मातृभूमि से, अपने राष्ट्र देवता से, अपने प्राणों की तरह प्रेम करता है।